हेलो फ्यूचर, आई होप यू आर वेल। आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो HMB GU का जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाता है उसमें लिखा हुआ रहता है जनरल वन, यानी कि आपका उसमें जब मेरिट लिस्ट आता है तो जनरल वन, जनरल टू और यहाँ पे ये जो है कैटेगरीज वाइज यहाँ पे लिखा रहता है, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है जनरल AF1। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरीज में जनरल वन, तो इसका मतलब हुआ कि जनरल वन में जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिया गया है, और यहाँ पे जनरल AF1 यानी कि जनरल आर्म फोर्स के लिए जो सीटें रिजर्व रहती है उनके लिए यहाँ पे प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट में दिया जाता है। तो ये जो है वो अलग अलग ब्रांचेस के बाद रिलीज किए जाते हैं, और ये भी लिखा हुआ रहता है जनरल AF1 ये फीमेल के लिए जो है वो जनरल F1 जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, फीमेल पे फर्स्ट प्रायोरिटी जो सीटें रिजर्व है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू यहाँ पे रिजर्व रहती है आर्म फोर्सेस के लिए 1, इनको प्रायोरिटी दिया जाता है। ये भी लिखा रहता है जनरल AF2, इसका मतलब हुआ कि अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए जो है वो सीटें रिजर्व है आर्म फोर्सेज के लिए, यहाँ पर ये हुआ मतलब इसका। और ये भी रहता है, ये सब अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है। OBC के लिए भी आता है, तो OBC में भी लिखा रहता है OBC AF1, तो इसका मतलब हुआ OBC में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें AF मतलब आर्म फोर्सेज जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पे दिया गया है। अगर AF2 रख दिया गया है तो यानी कि AF2 का आर्म फोर्स में सेकंड प्रायोरिटी पे यहाँ पे जो है वो सीटें रिजर्व है, उसके थ्रू एडमिशन होता है। अगर यहाँ पे मेंशन है अगर OBC AF1, तो यानी कि OBC में अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो F1 हो गया फीमेल को फर्स्ट प्रायोरिटी पर दिया गया है, और अगर OBC सेम रहता है यहाँ पे F2 रहता है तो यानी कि फीमेल को सेकंड प्रायोरिटी पे, यानी कि यहाँ पे जो वो होंगे जिनका मार्क्स हाई होगा और वहाँ पे उनका जो प्रायोरिटी दिया जाएगा, जिनका मार्क्स कम है तो बेसिकली जिनका मार्क्स ज़्यादा है उनको फर्स्ट में प्रायोरिटी दिया जाएगा, और जिनका थोड़ा कम रहेगा वो उनको सेकेंड प्रायोरिटी दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए जनरल 1 रहता है, OBC 1 रहता है इस तरह करके, और साथ में तो इनको जो जनरल 1 में है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे, OBC 1 वो OBC कैटेगरीज में फर्स्ट प्रायोरिटी पे, और ये भी रहता है SC के लिए, तो SC 1, SC 2 ये सब करके, तो यानी कि SC में जो कैटेगरी में आ गए उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है, और साथ में जो SC में आ गए उनको लिए सेकंड कैटेगरी पे, यानी कि जिनका मार्क्स पहले है, जिनका मार्क्स ज़्यादा है वो यहाँ पे आ गए। लेकिन क्या होता है, इन केस अगर आपका होता है OBC AF1 तो ये तो रिजर्व है कैटेगरीज आर्म फोर्सेज के लिए, तो इनका जो बेसिकली कट ऑफ जाता है वो कम जाता है, इनका जो है वो कम नंबर पे एडमिशन होता है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कम मार्क्स पे भी एडमिशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।